एसेंशियल सर्विसेज यानी कि आवश्यक सेवाएं। इस टर्म का मतलब हमें कोरोना से जूझते हुए जितना ज्यादा पता चला है उतना शायद ही कभी पता चला हो। हमारे लिए तो अब तक जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारे लिए जरूरी थी, लेकिन असल में हमें दूध, सब्जी और राशन चाहिए जीने के लिए, बस यही सब काफी है, जिनके लिए सरकार ने छूट भी दी है। लेकिन इन्हीं एसेंशियल सर्विसेज के जरिए भी कहीं कोरोना के मरीजों की संख्या ना बढ़ जाए, इसके लिए गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में अच्छे प्रबंध किए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस ने रामोल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत 6 जगहों पर मॉडल सब्जी मंडी स्थापित की है, जहां पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहती है। साथ ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए पल पल पर टोका जाता है। इन मंडियों में सख्ती के साथ सामाजिक दूरी रखने का पालन किया जाता है। सब्जी विक्रेताओं के भी टेम्परेचर की लगातार जाँच की जाती है। रामोल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर KS दवे ने इन मॉडल सब्जी मंडी के बारे में जरूरी सभी बातें बताई। थर्मल गन से हम सभी सब्जी बेचने वालों को टेम्परेचर उनका रिकॉर्ड करते हैं, और अगर किसी को 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर आता है तो हम उसको सूचना देते हैं कि वो कोई शंकास्पद लक्षण दिखाई दे तो उनका लेबोरेटरी करवाएं। साथ ही साथ हमने उसको एक टोकन नंबर दिया है ताकि हर रोज अपनी जगह पे वो आके खड़ा रह सके और अपना माल सामान जो है उसकी बिक्री कर सके। वहीं एक सब्जी विक्रेता से भी इस मॉडल सब्जी मंडी के बारे में जानकारी ली गई। बहुत अच्छा लगा और वो सुविधा बहुत अच्छी रखी साहब ने, जो पुलिस ने सब सुविधा दूर दूर और अच्छा रखा है, बहुत अच्छा। पहले किस प्रकार का मार्केट जब ये खुलता था तब रहता था, और अभी क्या देखने? अभी ज्यादा अच्छा है, बहुत सुविधा अच्छी कर दी साहब ने, इतनी सुविधा कहीं नहीं है। पहले क्या सब भेगा हो जाते थे, भेगा कहीं नहीं, 1 मीटर का दूरी है, 1.5 मीटर की दूरी रखी है, बहुत अच्छा रखा है साहब ने, और शांति से लो, शांति से जाओ। इस मॉडल सब्जी मंडी को सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में स्थापित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि सब्जी ऐसी चीज है जिसको लेने के लिए आम आदमी घर से बाहर निकल रहा है, और कहीं इन सब्जी विक्रेताओं से कोरोना फैला तो ये घर घर तक फैल जाएगा। इसलिए इस मॉडल सब्जी मंडी को एक उदाहरण स्वरूप लेकर हर राज्य में स्थापित किए जाने की जरूरत है।